हाय दोस्तों, मैं मंगल प्रसाद निषाद, आपका हमारे यूट्यूब चैनल MPN ऑनलाइन स्टडी पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बताएंगे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही। अपडेट क्या है, आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहेंगे दोस्तों, क्योंकि आपसे परीक्षा से संबंधित जानकारी के बारे में। जी हाँ, सभी छात्रों के पास आखिरी मौका है। जैसा कि आप थंबनेल देख के पता पा गए होंगे कि दोस्तों, सभी छात्र जिनका पेपर रह गया था दोस्तों, उनके लिए एक आखिरी मौका है। किसी भी कारणवश अगर उनका पेपर छूट गया तो उनका पेपर जो है कराया जाएगा फेज 14 में। जैसे कि इसकी पहले मैंने वीडियो लाई थी, उसमें आपको बताया था फेज 14 में किसका किसका एग्ज़ाम कराया जाएगा। और दोस्तों, फेज 14 में सिर्फ उन्हीं का ही एग्ज़ाम होगा जो पांच कारण उसमें बताए गए हैं। अगर उस पाँच रीजन में आपका कोई भी रीज़न है पेपर कैंसिल होने का, तो आपकी परीक्षा जो है कराई जाएगी। तो उन पांच ही रीजनों को जानने के लिए दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पे दोस्तों लिंक दे दी गई है। आप उस वीडियो को देख लीजिए कि उसमें कौन कौन से पांच ऐसे लिंक हैं जिनके कारण अगर आपके पेपर जो है कैंसिल हुए हैं तो आपकी परीक्षा कराई जाएगी। तो दोस्तों, आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख लीजिए, आपके पास ये आखिरी मौका है दोस्तों। इसके बाद आपके लिए कोई जो है फेज नहीं निकाली जाएगी किसी भी प्रकार से परीक्षा के लिए। तो आप लापरवाही मत करिए, आप जो है वहाँ से फिर देख लीजिए। आप अगर उन पांचों कारण में से हैं तो आपकी परीक्षा जरूर कराई जाएगी। आप अपने संस्था से संपर्क करिए दोस्तों, या तो आपके संस्था जो है आपकी पूरी डिटेल फिलअप करने के बाद दोस्तों आपका पेपर दिलवाया जाएगा। आपका पेपर जो होगा साथियों, वह 4 मार्च से लेकर 8 मार्च में कराया जाएगा। आपके पास इससे पहले सभी जो है आपको फीस पेमेंट कर देनी है। अगर फीस पेमेंट नहीं हुई है तो आपका टाइम वो आ जाएगा दोस्तों। एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करने लगे, इन तमाम प्रकार की अभी कार्रवाई आपको करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, इन सभी के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नए जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम पूरी डिटेल अगर आपको दिखा दें दोस्तों, पूरी डिटेल आप यहां से देख सकते हैं। निम्मी ऑनलाइन पे जो है आप जाकर डायरेक्ट अपनी पूरी डिटेल भर सकते हैं। उसके बाद नीचे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इंडिविजुअल फीस पेमेंट लिंक ऑफ फेज 14 CBT एग्जाम 4-8 मार्च 2021 दिए गए हैं। हालांकि 2014 दिए गए हैं जबकि 2021, क्योंकि दोस्तों 2014 में CBT एग्जाम से संबंधित कोई ऐसी जानकारी नहीं थी उस समय, तो ये 2021 है। इससे आप भ्रमित न होइए, ये जो लाइव नाउ अभी जो है दोस्तों, यह लाइव नाउ है फीस पेमेंट के लिए। आप वहां से फीस पेमेंट कर दीजिए जिसका फीस पेमेंट होना है। बाकी लोगों का दोस्तों जो डिटेल है वो संस्था वाले भर देंगे, क्योंकि सिर्फ फीस पेमेंट आपको भरनी पड़ती है। अगर फीस पेमेंट नहीं भरे तो आप भर दीजिए दोस्तों। और किसी भी प्रकार से जानकारी के लिए हमारे कमेंट आप कर सकते हैं हमारे। उसके बाद दोस्तों, फेज 14 का पेमेंट लिंक दोस्तों रेडी हो गया। आपका परीक्षा जो है 4-8 मार्च तक कराया जाएगा। आखिरी मौका है दोस्तों, इसमें अगर आप किसी भी प्रकार से गलती करते हैं तो फिर से आपकी परीक्षा नहीं ले जाएगी। अच्छी तैयारी के लिए दोस्तों, आप हमारे जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पे दोस्तों मॉडल पेपर अच्छे अच्छे पड़े हैं, आप वहाँ से तैयारी करके अच्छे नंबर निकाल सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।